नमस्कार, आप देख रहे हैं ANS मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन, उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में, और आज चर्चा करेंगे चावल के बारे में। कुछ दिनों के दौरान चावल की कीमतों में तेजी आई है, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं चावल के बारे में। नरेश जी, ANS मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों के दौरान देखा गया कि चावल में तेजी आई है, सर इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धान का थोड़ा अराइवल दिन पे दिन कम होता जा रहा है, इस वजह से चावल के दाम थोड़े बढ़ गए जरा बहुत। लेकिन अब आगे मार्केट क्या पता लगता है, क्योंकि इन बढ़े हुए भाव में डोमेस्टिक में ग्राहक माल खरीदेगा नहीं खरीदेगा, या एक्सपोर्ट में जो बाहर का इंपोर्टर है बायर चावल का, वो एक्सपोर्ट में माल बढ़े हुए भाव में आगे खरीदता है तो उसके पास माल जाएगा, तो उसके बाद फिर पता लगेगा। और दूसरा, अभी दुबई में 17 फरवरी तक 5 दिन का गल्फ फूड है, जिसमें के मैं समझता हूँ सारे यूरोप के पूरे गल्फ के बायर आते हैं, तो उससे भी पता लगेगा कि आज इन भाव में कि वहाँ बायर माल खरीदता है या नहीं खरीदता है। अगर बायर माल खरीदेगा तो ये भाव रुके रहेंगे, वरना इन भाव में थोड़ा भाव घट सकता है। इस बात का उसके ऊपर है डिपेंड कि भाई इन नए भाव में बायर माल खरीदेगा। एक्सपोर्ट में कंटेनर भी अवेलेबल नहीं है, कंटेनरों की भी बड़ी भारी परेशानी चल रही है, तो पता नहीं आगे इन भाव में बायर बनता है, बायर का आगे पड़ता रहेगा, जब ही फिर ये और मार्केट आगे इसके बारे में पता लगेगा। नरेश जी, ऐसा देखा गया कि कुछ दिनों के दौरान क्वालिटी अनुसार चावल की कीमतों में, खास करके दिल्ली नया बाज़ार में, 1000 रुपये की तेज़ी आई है, तेज़ी के कारण क्या हैं? नहीं, ये कोई भाव जो बढ़ा है नया बाज़ार में, कोई भाव नहीं बढ़ते। भाव तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ जहाँ चावल की पैदावार है वहाँ के राइस मिलों का माल जब बिकता है, एक्सपोर्टर लेते हैं या स्टॉकिस्ट, तो मैं समझता हूँ स्टॉकिस्ट तो अभी नहीं ले रहा है, स्टॉकिस्ट की तो कोई ख़रीदारी है नहीं, इन भावों में कोई भी स्टॉक तो नहीं करेगा। अगर इन भावों में डोमेस्टिक में अगर ग्राहक भाव बढ़ा के माल, क्योंकि भाव जब बढ़ जाते हैं तो ग्राहक जो है ना वो माल की ख़रीदारी नहीं करता, अगर वो नए भाव में माल खरीदेगा तो फिर उसके बाद बाजार का पता लगेगा। नरेश जी, ऑलमोस्ट देश के सभी उत्पादक राज्यों में पैडी मिलर्स के पास माल आ चुका है, और उसके बावजूद रेट जो बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल डिमांड जो है निर्यात जो है मांग है कि एक्सपोर्ट डिमांड है, क्या किस तरह की परिदृश्य बन रहा है? इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट का तो जो ये गल्फ फूड है दुबई में, मैंने बताया ना 13 फरवरी से 17 फरवरी तक, उसमें बायर किस तरह का निकलता है, बढ़े हुए भाव में बाहर माल खरीदेगा जब भी कुछ पता लगेगा। और धान का अभी ऐसा नहीं है, धान की अराइवल ज़रूर कम है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसानों के पास धान ख़त्म हो गया है, क्योंकि कुछ किसान जो है वो आखिरी तक अपना माल रखते हैं और आखिरी तक बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई धान की अराइवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या अभी हो गई है, ऐसा नहीं है। माल तो कम ज़्यादा आता रहता ही है, और धान अभी आएगा, लेकिन जो प्रेशर होता है उत्पादन का, वो प्रेशर जो है वो ज़रूर ख़त्म हो गया, प्रेशर नहीं है अब, धीरे धीरे आता रहेगा थोड़ा थोड़ा, जैसा भी जिस किसान का, क्योंकि किसान एकदम इकट्ठा नहीं बेचता।
तो कुल मिलाकर के आप क्या कहेंगे, ये तेजी जो 1000 रुपये की बनी है ये मार्केट सामान्य है या बाजार ऐसे ही चलेगा या रुका रहेगा, या गल्फ फूड के बाद जो है रणनीति एक तय हो पाएगी कि हाँ इन भाव पर माल जो है निकल रहा है तो बाजार बढ़ने की उम्मीद है? ऐसा है, चावल की किस्म बहुत है तो अलग अलग किस्म का अलग अलग भाव है, तो कुछ किस्म आज भी ऐसी हैं जिनमें कोई भाव नहीं बढ़े हैं और किसी में भाव बढ़ा भी है तो उसके ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्टर वो बढ़े हुए भाव में ख़रीद लें, तो जब पता जब ही लगेगा जब के बढ़े हुए भाव में माल की बिक्री कैसी रहती है, सब उस बिक्री के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कैसी बिक्री रहेगी आगे उन लोगों का माल जो बढ़े हुए भाव में माल खरीदेंगे, अगर आगे उनका माल बिकता है तो फिर भाव थोड़ा और बढ़ सकता है, नहीं तो अभी बढ़ने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। धन्यवाद नरेश जी, ANS मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।